जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में विजयदशमी के उपलक्ष में राष्ट्र सेविका समिति द्वारा नगर में पथ संचालन निकाला गया, जिसमें भारत माता और लक्ष्मी बाई का रूप लिए बालिकाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। बता दें कि यह पथ संचलन लक्ष्मी शिशु मंदिर से शुरू होकर सरगम टॉकीज रेलवे बाजार से होते हुए वापस लक्ष्मी शिशु मंदिर पहुंचा, जहां सेविकाओं ने कहा कि महिलाएं और बालिकाएं संगठन से जुड़कर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो रही हैं और राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना ही राष्ट्र निर्माण और महिलाओं को सशक्त करने के लिए की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कल निकालते हैं, हर साल हमारा पथ संचलन निकलता है विजयादशमी के अवसर पर, क्योंकि इस दिन 1936 में हमारी वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम नवरात्रि के किसी भी दिन कोई कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं, इसमें शस्त्र पूजा भी की जाती है और हम पथ संचलन निकालते हैं। तो इससे एक जन जागृति होती है। जब हम महिलाएं सड़क पर निकलती हैं एक विशेष वेशभूषा में, गणवेश जो हमारा है उसमें हम जब सड़क में निकलते हैं तो लोगों के दिलों में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ये कौन सा समिति या कौन सा संगठन है, ये क्या करता है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेविका की हमारी बहनों द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम शिशु मंदिर से यात्रा निकलेगी और इसमें जो मुख्य उद्देश्य हमारी संघ की बहनों का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का है, कि जिस प्रकार से आज महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हर जगह देखने को मिलता है और जो संघ की नींव हमारी संघ की जो है अहिल्या बाई हटकेवार जी ने इसका महिला संघ की नींव रखी थी। तो ये अपना संचलन है, ये विजयादशमी पर राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना हुई थी, उसी स्थापना कहते कि वर्ष को मनाते हुए हम हर वर्ष विजयादशमी पर कुछ ना कुछ पूरे देश भर में कार्यक्रम चलते रहते हैं, जिसमें पथ संचलन भी अपना एक कार्यक्रम है, जिससे कि समाज को संदेश जाता है और बहनों के द्वारा अपने संगठन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए और समिति की स्थापना आज के दिन हुई थी, ऐसा संदेश हम समाज को देते हैं। लगभग 250 बहनें हमारे पास में इस समय हैं और ये संचलन घोष के साथ में संचलन निकलेगा। भारत माता लक्ष्मी बाई इसमें रहेंगी और ये वास्तव में राष्ट्रीय सेविका समिति के इसके जो स्थापना वर्ष को लगभग हमारे 99 वर्ष होने जा रहे हैं। हमें इससे मतलब जो मेन चीज़ है, हमें अपने देश के बारे में पता चलता है और हमें देशभक्ति की भावना इससे जागृत होती है। ये हर साल होता है। एक्चुअली हम यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ से बिंदुखत्ता एक गांव है, हम वहाँ से आए हुए हैं और हम हर साल यहाँ आते हैं और ये कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है।